Yes, I did. When I saw the trailer, I mean, of course, I loved the trailer and its signature, Rohit Shetty. And I've had the pleasure of working with Rohit Shetty and, you know, creating one of my most memorable characters with him. But having said that, I think it's on its way to becoming a blockbuster. I think it has, you know, success written all over it. So I think right now, I think we're just focused on his film releasing and then we'll figure out honeymoon and birthday and all after that. And you're turning producer also, because a very sensitive film. Please produce it for night. I think we'll talk about it when the time is right. I mean, of course, you know the film that I'm working on and who's directing it. We start working early next year. I think it's a story that... that needs to be told. It's a very, very important story. It's a true life incident. And hopefully good things will come out of it. Thank you. Sir, you have a question. First of all, congratulations for the new beginnings. Thanks, boss. सर आप तो शेर की तरह गुर्रा रहे हैं स्क्रीन पे बट ये घर पे आप कैसे हैं क्या दीपिका खाना बनाती है नहीं हम लोगों ने पहले हाउ मच क्या दीपिका कपड़े इस्त्री करती है अभी ये सब चालू होगा अभी सिम्बा साइड में हाउ मच यू एग्री कि घर में असली शेर तो मिसेज ही होती है एक महीने से घर तो पहुंचे शादी तो खत्म हो आपने मेरी एंट्री देखी ना धमाकेदार क्या एंट्री की ना भाई ने घर पे मालूम है मैं कैसे जाता हूँ धमाकेदार ट्रेलर हाउ वाज इट वर्किंग विद अजय देवगन एंड डांसिंग विद द गोलमाल टीम वी ऑल नो देयर इज अ लिटिल सॉन्ग दैट यू ऑल हैव शॉट फॉर वो मोमेंट आई डोंट वांट टू रूइन इट फॉर एवरीबॉडी जब गाना निकलेगा कुछ ही दिनों में निकल रहा है 3-4-5 दिनों में निकलेगा धमाकेदार गाना है करण सर थैंक यू आपकी बदौलत गाने में करण सर भी हैं बाय द वे एक सरप्राइज क्या शॉट दिया है एज एन एक्टर मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक हिट फिल्म दूं इसीलिए मैंने रोहित शेट्टी से दरखास्त किया कि द ओनली वे आई कैन गिव अ हिट फिल्म एज एन एक्टर कि अगर मुझे आप अपनी पिक्चर में डाल दो करण जी आप कुछ कहना चाहेंगे तकरीबन मैं कुछ कहना तुम बजट में बताओ रणवीर जस्ट नाउ यू सेड हेलो रणवीर हां जस्ट देवी मां जस्ट नाउ यू सेड कि मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि एक्टिंग करूंगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जैसा कि मैंने देखा पता नहीं सच है कि नहीं उसमें है कि मुझे पता था 6 महीने के अंदर दीपिका मेरे बच्चों की माँ बनेगी 6 महीने में और इसलिए मैंने 9 महीने लगते हैं ना सर मतलब व्हेन ही गॉट फ्रेंडली हाँ बहुत ही फ्रेंडली बहुत ज्यादा फ्रेंडली सो शी विल बी द मदर ऑफ हिज यस मैम व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट आई मीन एग्जैक्टली व्हाट आई सेड इलैबोरेट अ लिटिल आई मेट हर इन 2012 एंड विद इन 6 months आई न्यू दैट शी वाज द वन ओके थोड़ी देर पहले रणवीर ने बातचीत सारा थोड़ी देर पहले रणवीर ने रोहित सर के बारे में काफी बातचीत की आप बताएं क्या है उनकी स्टाइल और ये आपकी दूसरी फिल्म सर उनका स्टाइल तो सब जानते हैं इनसे अच्छा लेकिन मैं स्टाइल के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि आप स्टाइल जानते हैं इनका मतलब कमर्शियल सिनेमा के तो किंग ही हैं ये लेकिन मैं ये बताऊंगी कि सेट पर हर रोज़ और हर समय इनसे अच्छा इंसान मैं आज तक नहीं मिली हूँ और जिस तरह से ये अपने पूरे टीम को मोटिवेट करते हैं यही कारण है कि उनका काम और उनका सब इतनी अच्छी तरह चलता है सो थैंक यू सर फॉर लेटिंग मी बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म रियली थैंक यू जैसा बोला था वैसे ही बोला आपने थैंक यू सो मच वेरी गुड 10/10 सही ट्रेनिंग हुई है सारा अली एक भी लाइन भूली नहीं आई एम सो प्राउड ऑफ यू रोहित सर रोहित सर ऑन योर राइट रोहित मेरा सवाल आपसे है मेरा कोई 6 महीने का चक्कर नहीं था हाँ तो नॉमिनी क्योंकि इस समय 2 लीडिंग लेडी हैं जो नई आ रही हैं सारा एंड जानवी तो आप क्या चाहेंगे कि नॉमिनी तो मिलेगा इनको डेब्यू का अवार्ड किसे मिले एंड करण विल यू लाइक इट टू बी अ टाई बिकॉज
One सवाल is to Rohit कि award किसे मिले? I think it's Simba से मिले या केदारनाथ से मिले? I think केदारनाथ से. केदारनाथ डेब्यू फिल्म थी ना तो डेब्यू फिल्म केदारनाथ क्रेडिट शुड गो टू गट्टू एंड करण वुड यू लाइक इट टू बी अ टाई बिकॉज बोथ आर सो क्लोज टू यू बट सारा हैज डेब्यूड विद मी ऑन कॉफी विद करण नहीं नहीं नॉट दैट काइंड ऑफ डेब्यू एंड हर परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग इन कॉफी विद करण नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट दीस टू गर्ल्स वुड यू लाइक अ टाई मेरे साथ डेब्यू हो चुका है और मिस होने वाला था और इस जरिए से हो गया सी आई थिंक इट्स एंड आई रियली मीन दिस I think, with all due respect, ma'am, to your question, which is, I suppose, valid. But I think that दो लड़कियां जो 21-22 साल की उम्र में अब इसी स्टेज पे हम कंपैरिजन्स अगर शुरू कर लें तो इट्स नॉट फेयर बोथ ऑफ देम आर वंडरफुल दे आर ब्यूटिफुल दे वर्कड वेरी हार्ड एंड आई रियली थिंक कि इस स्टेज पे कंपेयर करना एंड रियली रियली एंड आई वॉन्ट टू से माई हार्ट अवार्ड्स विल नेवर मैटर द वर्क दे डू द लव दे अमैस फ्रॉम द पीपल इज एवरी अवार्ड अवार्ड्स इज दैट मोमेंट ऑन स्टेज दैट विल वेरी दैट इमीजिएटली पासिस आफ्टर सोशल मीडिया लेट्स यू एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज विच इज योर करियर तो जो भी जीते इट्स दैट मोमेंट इट्स दैट फोटोग्राफ इट्स दैट पोज इट्स दैट इंस्टा पोस्ट डन ओवर इट नेक्स्ट Next film, moving on. It doesn't matter. Yeah, so you will just today you are looking very handsome with your red boot shoes on. Yeah. And presumably you can take up an acting... I have already, ma'am, I just told you I am the biggest flop actor of Indian cinema. I have given two back-to-back disasters. Really, I cannot afford to be on screen anymore. There's the other one no one saw at all. No one even saw it. Sara ji, Arun, is that rakh lena? Rohit, Sara ji, ek aakhri Thank you, ma'am, for thinking that Rohit, it's a possibility. Aapke right mein, Sara ji, aakhri sawal ye hai ki aapke right mein and behind hai. Oh, upar. Sawal ye hai ki aap ek aisi... Usko hamesha yaad rakhna. We'll just... Yeah. Arun. सवाल यह है कि आप एक ऐसी एक्टर है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जिन्होंने डेब्यू करते ही दो एक्टर का इनकाउंटर कर दिया कार्तिक आर्यन एंड रणबीर कपूर का लाइक डेट एंड शादी की बातें इनकाउंटर कॉफी में यू सेड ना कॉफी में शी सेड कि रणबीर से शादी करेगी कार्तिक को डेट करना चाहती तो रणवीर सिंह आपके पास है आपके सामने है तो उनका क्या किस अंदाज में इनकाउंटर करना चाहेंगे सर अभी हो चुका है ना इतनी बुरी तरह इतनी जोर से बार बार लगातार इनका इनकाउंटर तो हो चुका है और ऐसी शेरनी से वहाँ चो चुका है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी दीपिका पाडुकोण है जी हम कुछ नहीं बोलेंगे शादी मुबारक सर उतना ही थैंक यू बाजीराव मस्तानी एंड पद्मावत व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन डिड यू गो थ्रू फॉर सिम्बा बिकॉज इट्स सो डिफरेंट टू स्विच बिटवीन द टू कैरेक्टर्स We did a lot of readings. I'd go over to Rohit sir's office. Sara and I would sit and read with Ashwini ma'am. And I think that was a very, very productive process. To understand Sara's energy, to understand how she is as a person, to get a flavor of the script with Ashwini ji, who is in our film, who's also an amazing actor, you know, to play off her in those readings. I think that was a very critical and very productive process before going into principal shooting. What do you have to say? क्या मतलब वेट कर रहे थे आपका ऑर्गेनिक तो तू ऐसे रीटरेट कर रहा है जैसे पैसा दिया ला पब्लिक को कुछ भी मत बोला नितिन हाँ इंट्रो में कैसे बोलता है हाँ फुल इंग्लिश क्या दादा कम ऑन गाइस आला रे आला ऐसे थोड़ी चला बोला आला रे आला ये फ्रेंचाइज चलती रहेगी करण करण ये फ्रेंचाइज चलती रहेगी सिम्बा वन सिम्बा टू सिम्बा थ्री जैसे हाँ क्या मतलब है निकी और पूछ पूछ आई मीन इनका दूसरा नाम रोहित फ्रेंचाइज शेट्टी है ये हर चीज का फ्रेंचाइज बना देते हैं बस अपना नहीं बना सकते क्योंकि कोई और रोहित शेट्टी नहीं हो सकता